ये ऐसा, इसकी शक्ल देखें जी, ये वैसा, इसने 15,000 लिया। हालांकि व्लॉग के अंदर ये बंदा खुद मान रहा है कि 6.25 लाख रुपए मुझे जो ना पैसे आए, तो बीबी को मैंने इतने दिए, बाकी किधर है। इतना इशू खड़ा हुआ, आप कानूनी रास्ता भी लेंगे या यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी? दूसरे पैसे तो अड़नाल, ठीक है, बट यूट्यूबर है बेशक, जिदा मर्जी वड्डा यूट्यूबर है, ठीक है, असी सारी कम्युनिटी तो अड़नाल खड़े हैं। अगर रजब बट चंद है दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए, असी तैयार हूँ, ठीक है जी। अगर बट साहब आप सच्चे हैं, आप कहते हैं जी मैं बड़ा वेरी बिजी बना हूँ, तो मैं तो इन्हें जोगा नहीं कि तेनों मिला या मैं तेनों मिला, आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पे अपने ही कसम खा के बताएं, कलमे की कसम दे दें। मैं मोमिन एक बहुत बड़ा होता है, हम तो गुनाहगार बंदे मोमिन, सुभान अल्लाह, आप मोमिन है ना, आप कसम दें कि मुदस्सिर भाई ने 15,000 रुपया उस बीबी को दिया या लिया, 15,000 से हटके एक रुपये की भी बात करता हूँ, एक रुपया भी मैंने उस बीबी को दिया या लिया हो, तो मैं कहता हूँ मैं कलमे की कसम खाता हूँ मैंने ना दिया ना लिया। बट सब तुम गलत हो, एक्सक्यूज करो, वीडियो पाओ, माफ़ी मंगने वाला वड्डा होंदा है, तुसी गलत हो, मैं गलत हुंदा तो मैं एक्सक्यूज करना। यूट्यूब के ऊपर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि रजब फैमिली का कुछ इशू चल रहा है, एक मदरसे वाली बाजी है उसके साथ, इन्होंने उनका ओपिनियन लिया कि जी पैसों का मामला था, डोनेशन का मामला था, बाजी ने कुछ इल्ज़ाम लगाए रजब के ऊपर और ये वो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद रजब का रिएक्शन आता है। बात करते हैं कि जी इन्होंने 15,000 दिया है या लिया है, बात करते हैं सारी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मुदस्सिर भाई, आप ये बताएं कि 15,000 का मामला आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपने 15,000 या लिया या दिया है उस बाजी को, कि रजब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, क्या इसमें कितनी सदाकत है? सदाकत इसमें इतनी है कि शाहरुख खान मुझे खुद कॉल करे कि आके मुदस्सिर मेरा इंटरव्यू ले लो। अच्छा, जिस तरह ये सच है इसी तरह ही वो बात सच है। अब मैं इसको ज़रा दूसरी तरीके से देखता हूँ कि रजब भट्ट साहब का मैंने मदरसे वाली बाजी का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कहती हैं आप मेरे पास आएँ, मेरे जूनियर ने पहले उनका इंटरव्यू किया, ठीक है, डिजिटल प्लस चैनल पे लगा हुआ, जाके देख लें, मेरे जूनियर ने किया, मुझे उन्होंने बताया ये एक आंटी है, ये बाजी हैं, बहन है, बा पढ़ता रहती 24 घंटे, मैंने तो देखा ही नहीं, आप उनका ओपिनियन लें। अब हमारा सोशल वर्कर, एक जर्नलिस्ट, एक साफ़ी का, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का यही हक है कि उसकी किसी की राय ले। अब मैंने उसकी राय ली है, उसमें मैंने तो नहीं कहा कि रजब साहब आपने पैसे खाए हैं, ठीक है, रजब साहब ने मुझे डायरेक्ट ही कह दिया जी तुम 15,000 खाधा है, ठीक है, अब मैंने तो उसकी राय ली है, तो रजब भट्ट साहब या फिर ये कहते हैं कि यार मुझे लगता है इस बंदे ने पैसे लिए हैं या मुझे लगता है इसने पैसे दे के इंटरव्यू किया है, मेरे बारे में ये बात करते, मतलब कि उन्होंने ऑप्शनल गल नहीं, डायरेक्ट किया कि जी 15,000 रुपया इस बंदे ने खाधा, उल्टा तोला नदी की जी कि एक दीन इस्लाम के दायरे के भी गल करो, जो बंदा हक की बिना पर बात ना होना तो एक कतल के बराबर है, ठीक है, अगर जो बंदे पढ़े लिखे हैं, इलम वाले लोग हैं, उनको पता है, जो जहाल है उनको नहीं पता। तो मैंने कहा आपके पास क्या एविडेंस है कि रजब भट्ट एक सेलेब्रिटी है, उसके खिलाफ मैं किस तरह बात करूं? तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा प्रूफ उसका अपना एक व्लॉग है जिसमें वो बता रहे हैं जी 6.25 लाख की डोनेशन आई है। मैंने कहा वेरी गुड, ये आपकी बात ठीक है, वो रजब भट्ट साहब कह भी रहे हैं आप क्लिप चला देना। मैंने कहा अब आपको कितने मिले हैं, इसका क्या सबूत है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं ये आपका सवाल, अब मैंने उसको एनालिसिस किया है कि ये बीबी झूठी है या सच्ची है, जहाँ तक मुझे लगा कि यार इसकी ओपिनियन लेनी चाहिए, इसके पास रसीदें हैं, उन रसीदों पर रकम की वसूली है, वो रसीदें आप चला देना, उन रसीदों की बना पर रजब भट्ट के अपने 6 लाख की वसूली के बना पर मैंने उनका राय ली, मैंने उनकी सिर्फ राय ली, मैंने खुद नहीं कहा कि रजब भट्ट साहब तुम खा गए हो, मार गए हो, मदरसा ये वो करता है, मैं तो गल ही नहीं की, मैंने तो ये बात की कि रजब भट्ट साहब अपना ये बीबी है, इसकी ये राय है, ये मामला आपने जाना, ठीक है। हमारा ये इंतबाह भी आता है प्रोग्राम से पहले कि ये जो हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट बैठा हुआ है वो उसकी जात, उसका मसला है, ये उसकी राय है, प्रोग्राम या अदारे का बंदा या किसी चैनल का जो ओनर है, जो एंकर है, इसकी जाती राय इससे कोई नहीं है, इस प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है इस वाले से, तो ये लिखा भी हुआ है। खैर रजब भट्ट साहब की चीज़ों का नहीं पता, अल्लाह ने उसे इज्जत दी, अल्लाह और इज्जत दें, मोरन मोर, मेरी को भट्ट साहब ने कुछ जमीन भांडा नहीं सांझा है, कोई मामला पुराना नहीं है साढ़ा दे, कोई गल ही नहीं है, मेरा सिर्फ यही मामला कि भट्ट साहब ने बेबुनियाद मेरे से लानत पाई, दूजा कह जी 15,000 रुपया। यार बात यह है कि अगर कोई मामला था, कोई इशू था या कोई बात हुई थी, उसके ऊपर लंद बंदे के ऊपर क्यों डालनी चाहिए थी? ये बंदे को ये सोचना चाहिए कि इसकी वालदा या ये बंदा हर वक्त ये कहते हैं जी हम ये हम वो फलां फलां जी, जैसे भी है
लेकिन ये चीज करना इसके लिए जो मुनासिब नहीं था। मुनासिब इस तरह देखे ना कि एक हदीस से भी साबित होता है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर लानत भेजता है बेबुनियाद किसी मकसद के बगैर, तो वो रिटर्न लानत उस बंदे पे आती है, ठीक है, और ये कत्ल के बराबर भी है। मतलब ये हुआ कि इसको इस चीज़ की तकलीफ हुई है कि मेरे ऊपर ये बात आ रही है कि मेरे ऊपर ये अटैक कर रहे हैं बंदे, इसने अटैक वापस मतलब शुरू कर दी, ये ऐसा इसकी शक्ल देखें जी ये वैसा, इसने 15,000 लिया, हालांकि व्लॉग के अंदर ये बंदा खुद मान रहा है कि 6.25 लाख रुपए मुझे जो ना पैसे आए तो बीबी को मैंने इतने दिए, बाकी किधर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट साहब खुद लाइव आए हैं, वो वीडियो उनकी पड़ी होगी किसी ना किसी जगह पे, आप देख लें। वो कह रहे जी मुझे पता चला, मैं गुजर रहा था, मुझे इसराइल से पता चला या किसी ने मुझे कहा कि ये बीबी पता नहीं मदरसा नहीं बना रही, कुछ और कर रही है, वट एवर, कोई सीधी बात नहीं की, उन्हें भी गल घुमा के की, कोई सीधी गल नहीं की थी कि वजह पैसे ना दें दी। 2.65 वसूल किया उस बहन ने, मदरसे वाले ने, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर है, मुदस्सिर की बातें मेरा चैनल है, मैंने कोई व्हाट्सअप से शॉर्ट आउट लेकर 2 लाख नहीं किया, मेरी अपनी मेहनत है, मुझे फील्ड में लोग जानते हैं। व्हाट्सअप ने वीडियो डाल दी कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर समझ के, उन्होंने कहा जी एवं को गली महल का यूट्यूबर रहते हैं, मैंने वीडियो पा दी। मैं व्हाट्सअप आपकी इतला के लिए मेनस्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक हूँ, टीवी चैनल के लिए मेरी खिदमात हैं और पूरी कम्यूनिटी मेरे साथ खड़ी है। अब आप चेक करना, पूरे पाकिस्तान का चैनल मुझे कवर करेंगे और मैं उनको बताऊँगा, अगर आप एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे ना, अगर आप एक्सक्यूज़ करेंगे तो मामला ख़त्म होता है, क्योंकि आप गलत हैं, आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है। मैंने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने आपको तो कहा ही नहीं कि आपने मदरसे के पैसे खाए हैं, ये कोई मामला है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये आंटी है, इनकी राय है, ये मामला है। अगर आपको लगता था कि इनकी राय में कोई फ़र्क है, झूठा है, अपन है, तो आप मुझे बताते कि नसर साहब आपने ये क्या ऑनियर कर दिया है, इसकी राय ठीक नहीं है, तो मैं आपकी भी राय लेता। लेकिन आपने मुनासिब ही नहीं समझा किसी ग्राउंड फ्लोर पर आके बात करने का। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस बंदे को, रजब भट्ट को, डोनेशन आई है, पैसे आए, उसमें से कुछ उस औरत को दे देता है। इसका हक नहीं है कि इस चीज़ का देखना कि वो पैसे खा रही है या वो मदरसे पे लगा रही है या मदरसे के नाम पे पैसे वो खा रही है, ठीक है, उसका मामला और अल्लाह का मामला था। जी जी, इसका हक नहीं बनता था वो डोनेशन के पैसे अपने पास रखता, मैं ये हक ही नहीं बनता इसका। देखें जी, बहुत से लोग ऐसी खिदमत देते हैं, फाउंडेशन काम कर रहे हैं, असूलन क्या बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी माई ओपिनियन, या वैसे भी देख लें, बनता यह है कि मैंने अगर आपके नाम पे डोनेशन मैंने ली है ना, मुझे आ गया 6.25 लाख, तो वो मैंने आपको दे देना है, वो अल्लाह का और आपका कनेक्शन है, आप खाओ या ना खाओ, मैं आप ही चौधरी बना खड़ा, इंज थोड़ी होंगे, इंज नहीं होंगे। अगर आप उसे देते बीबी खाती, बीबी की अपनी कबर है, तुम हूँ आप ही कचहरी ला लीए, इंज नहीं होंगे। खैर कोई नहीं, वो बीबी की कॉन्फ्रेंस भी हुई है, सारे मामले आते हैं, और सिर्फ मैंने कवर नहीं किया ये, मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बट साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कहा जी मैंने कवर किया है, उस बयान को पाकिस्तान के हर चैनल ने कवर किया है, ये स्क्रीनशॉट नीचे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या मैंने 15,000, चले जी मामला 15 से, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया उस बीबी को। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपका बीबी से रब्ता कैसे हुआ, उस बंदी ने आपके साथ रब्ता किया या आपने उसके साथ रब्ता किया था? मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जूनियर जाता है, डिजिटल प्लस उस चैनल का नाम है, दाऊद खान एंकर पर्सन है, उसने उसका इंटरव्यू किया, उससे गया वो फर्स्ट पे गया, उसके साथ किस तरह रब्ता हुआ, उस बीबी के कोई स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा जी मदरसे का मामला टिकटॉक पे बात हुई, स्क्रीनशॉट आप चला देना। मेरे जूनियर ने मुझे कहा आपने हमेशा खिदमात दी है, उस पर भी रोशनी डालो। मैं कहा यार मैं पहले एनालिसिस करूँ ये बीबी झूठी तो नहीं है, मैं चेक करूँ क्या मामला आते हैं, तो मैंने चेक किया, मुझे लगा यार ये कहीं ना कहीं पर यह सच्ची है, बाकी मामला हम लगाएंगे तो रजब भट्ट साहब खुद ही बात करेंगे इस पर। एट द एंड मुझे ये बताएं कि इतना इशू खड़ा हुआ, आप कानूनी रास्ता भी लेंगे या यहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी? देखें जी, मेरा कोई भट्ट साहब से कोई ज़मीन सांझी नहीं है, मेरा किधर रौला नहीं है, उधर भट्ट बरादरी ना थल्ले तो मेरा जट बरादरी ना थल्ले, मैं खुद एक जिम्मेदार बंदा, मेरे यूट्यूब तो मामला नहीं चलते, मैं एक शोकास्ट करना, लेकिन एक भट्ट साहब एक बड़ी पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा सुलझा बंदा है, उन्हें अपने अपने ना जरफ़ तो खिलाफ गल की, वह डिजर्व नहीं करता कि ऑन कैमरा बह के लखा तेन दुनिया वेख दी, तो तू लौन तू लानत कर रहे हैं एक मुसलमान थे। अच्छा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, भट्ट साहब आप मोमिन बंदे हैं, माशाल्लाह मोमिन का एक बहुत बड़ा रुतबा है, आप बड़े अच्छे बंदे हैं, आपने अपने किरदार के खिलाफ बात कर दी, आपने आपको मिलियन लोग देखते हैं, आपने मुसलमान पर लाने डाली, लोग कह रहे हैं जी 15,000 की बात कर रहे हैं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 15,000 नहीं, 1 रुपया भी अगर मैंने उस बीबी को लिया है और दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ना उस बीबी को 1 रुपया दिया ना उससे लिया। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जी 15,000 से ऊपर नीचे की बात है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं लिया ना दिया। अगर भट्ट साहब आप सच्चे हैं,
आप कहते हैं जी मैं बड़ा वेरी बिजी बंदा हूँ, तो मैं तेने जोगा नहीं कि तेनों मिला या मैं तेनों मिला। आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पे अपने ही कसम खा के बताएं, कलमे की कसम दे दें, मैं मोमिन एक बहुत बड़ा होता है, हम तो गुनाहगार बंदे हैं मोमिन, सुभान अल्लाह आप मोमिन है ना, आप कसम दें कि मुदस्सिर भाई ने 15,000 रुपया उस बीबी को दिया या लिया, 15,000 से हटके एक रुपये की भी बात करता हूँ, एक रुपया भी मैंने उस बीबी को दिया हो या लिया हो, तो मैं कहता हूँ मैं कलमे की कसम खाता हूँ मैंने ना दिया ना लिया। आप ये प्रूफ साबित करें। अगर आप कहते हैं जी मैं सच, आप सच्चे हैं, तो अभी तक कितना टाइम हो गया, 24 घंटे प्लस हो गए आपने मेरे पे ये वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे लाइव आए, अभी तक आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरी साफ़त कम्युनिटी खड़ी है, मैं सबको बताऊंगा सच और झूठ क्या है। व्हाट्सएप तुम गलत हो, एक्सक्यूज़ करो, वीडियो पाओ, माफ़ी मंगने वाला वड्डा होंदा है, तुम गलत हो, मैं गलत होंदा तो मैं एक्सक्यूज़ करना सी, मैं इस बीबी की राय लीए, मैं राय चलाती है, मैं परसनली तार, मैं खुद तो इल्ज़ाम नहीं तेरे ते लाया कि तू पैसे खाते ने, मैं इस बीबी की राय ली है ना, तो तू अपनी राय मैंने दे, लेकिन तू मेरे ते राय नहीं दी, तू मेरे ते डायरेक्ट इल्ज़ाम लाया कि तू 15,000 ले आया, तो तुम साबित करना हूँ। दूसरे भाई सी तुहाडे नाल, ठीक है, बट यूट्यूबर है बेशक जिदा मर्जी वड्डा यूट्यूबर है, ठीक है, असी सारी कम्यूनिटी तुहाडे नाल खड़े हैं, अगर रजब भट्ट चाहता है दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए, असी तैयार हाँ, ठीक है जी, मैं तो मैं देखें जी मेरा उसके साथ कोई पर्सनल नहीं है, कुछ सदियों तो बाबे आदम नाल तो साड़ी को लड़ाई ये नहीं आ रही, अल्लाह माफ़ करे, मैं यही कह के व्हाट्सएप तुम गलत गल की है, तुम एक्सक्यूज करो मेरा, मैं भी डिप्रेशन तो बाहर आ जाएगा, तुम मेरे से लानत पाइए, तुम मेरे से 15,000 का इल्जाम लाया है, तुम ये करो कि मैं खुश हो जाऊँगा। असी सिर्फ यूट्यूबर नहीं, ऐ भट्ट साहब नूं क्लीयर करना है कि असी यूट्यूबर नहीं है, असी मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफी एंकर, ठीक है, और तुम यूट्यूबर हो, बेशक तुहानूं फेम है, दुनिया तो देखती है, लेकिन तो जेब नहीं सी देता जो तुम हरकत की है। देखे नहीं, अपने अपने जरफ की बात है, कोई बात नहीं, जिस बात से उन्होंने समझ नहीं लगी मैं करा कि उन्होंने तीर वाच मारा लेकिन गलत लग गया, वो बंदा गलत लग गया ना, कोई बंदा सीधा सच्चा निकल आया, कोई शायद कुछ झूठा होंगे तो बह जाना चुप करके, लेकिन ऐसा मामला नहीं है, बट सब भजदा ने लुहान एको जने, वीडियो पाओ गलत किया, एक्सक्यूज़ करो, किसी अपने ही इमाम को मशवरा लो कि लानत की हुंदा है, लानत बड़ी सच्ची लानत, नूं पता है मैं कित्थे पैना है, गलत गल कीती तुसी। और नाज़िन देखने वाले कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रजब भट्ट ने ये गलत किया या ठीक किया, जो हरकत उन्होंने की वो नहीं करनी चाहिए थी, बाकी ये कि अभी भी मौका है, माफी तलाफी हो जाए, मतलब बात यह कि इसमें बेहतरी है, कोई हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे, बाकी आप अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा, इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।